गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में स्वागत है आप लोगों का। हे गाइस, आज होलिका दहन है तो आप सभी को मेरे तरफ से होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अभी मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा बहुत सामान लेना है। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। गंदे बच्चे हैं, मास्क नहीं लगाते। मैं मास्क लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, यार मेरे को मिलवाती नहीं, कभी बात ही नहीं कर लेती है। अरे इधर चलो, इधर तो नहीं मिलेगा। और ड्राइवर को रास्ता ही नहीं पता किधर जाना है, बताओ। ऐसा ड्राइवर है, मेरे लिए पिचकारी। चलो उतर जाने दे। क्यों इतने गली के बाहर आने? बाहर वाले क्या उतर क्यों जान दे? हमारा मार्केट दूर है, लेकिन तो आ रहा है क्योंकि हम तो चला नहीं। पैर दुख जाता है यार, चलने में असमर्थ है मैं तो। ये चलती नहीं, हिलती नहीं। एक मिनट के लिए हम बच्चों के लिए लेने आए थे होली वाली टी शर्ट, पर हमें नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। देखते हैं और एक बार दुकान पे पीछे गया भैया। बड़ा नहीं है, बड़ा तो मैं ये ले। कोई बड़ा दिखा दो, सबसे बड़ा यही है। पागल है, काम से वीडियो बनाते हैं इतना भी नहीं। अरे ये गंदा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है ब्लैक वाला। हम जा रहे हैं घर, आइसक्रीम क्या भी करा देंगे। कोई बात नहीं, क्या क्या करेंगे अब दिखा दो अपना। हाँ क्या दिखाऊँ, संतरे पर करने क्या है, बस खतरे खतरे हाल होगा। चलिए घर चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या लेके आए हैं। घर पहुँचे इनके पैसे। मेरे साथ साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, ठीक है चलते हैं। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या लेके आई हूँ। जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। ये देखिए कुर्ता पजामा तीनों बच्चों के लिए आया है। और ये कौन लेके आया बताओ? मैं नहीं लेके आई हूँ, ये स्वाति के तरफ से है, होली गिफ्ट बच्चों के लिए। तीनों का सेम है, तीनों का सेम है। देखिए कल तीनों पहनेंगे तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। और जो शाम को पहनेंगे नहाने के बाद, वो मम्मी लेके आई हैं तीनों के लिए, तो इसलिए मुझे नहीं लेना पड़ा। दोनों जनों ने ही काम चला दिया तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए बनियान लेके आई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सैंडो बनियान तीनों बच्चों के लिए लेके आई हूँ मैं। ये रहा, तो बस बच्चों का तो बस यही आया है। और जो मम्मी लेके आई हैं तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी, वो घर पे है। मेरे लिए भी मम्मी लेके आई हैं, तो वो मम्मी जो लाई हैं वो ही मैं पहनूंगी कल, तो आप लोगों को कल ही दिखा पाऊंगी, आज नहीं दिखा पाऊंगी। मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी भाभी जो है वो सिलाई करती हैं, तो वही मेरा सूट बनाती हैं। तो मेरा जो है, हाँ तो मेरा जो सूट है, मम्मी मेरे लिए सूट लाई क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा वियर नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो सूट ही मम्मी लिए मेरे लिए। तो वो भी अभी भाभी बना के रखी है वहीं पर, तो आज जाऊँगी या कल जैसे होगा लेके आऊँगी। तो कल जब पहनूँगी तो ही आप लोग को देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट, अब इन लोगों का तो ख़त्म हो गया, बच्चा पार्टी का बता दिया मैंने, अपना भी बता दिया। अब आती है बारी आहान के पापा की, तो आहान के पापा के लिए सबसे पहले ये बनियान लेके आई हूँ मैं। और हाँ,
और सेकंड जो है ये टी शर्ट लेके आई थी मैं येलो कलर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर, लेकिन ये छोटा हो गया तो इसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं आप लोग को, इसलिए मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, खोल के नहीं दिखाऊंगी इसे मैं, जब दूसरा लेके आऊँगी तो शायद कल आप लोग को देखने मिल जाए वो पहनेंगे तो, इसलिए इसको नहीं खोलूँगी मैं और दिखाऊँ मैं। ये देखिए ये हाफ निक्कर बोलेंगे, पैंट बोलेंगे, कुछ भी बोल लीजिए, बहुत कंफर्टेबल होता है ये गर्मियों में यही पहनते हैं वो। तो ये लेके आई हूँ, दो लेके आई हूँ, तो एक वो अभी पहन रखे हैं वो नहीं दिखा पाऊँगी अभी, तो एक ही वाला लेके आई हूँ और एक पापा के लिए भी आया है। ये देखिए ये मेरे पापा के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे मोटे जो सामान है वही लेने गए थे हम लोग, तो सोचे कि घूम भी लेंगे और आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लेके आऊँ। अभी तक मेरा कोई भी ऐसा शॉपिंग वीडियो रहा है बट इस तरीके से नहीं रहा है कि बच्चों के लिए और अपने लिए, ऐसा कुछ नहीं था। और एक चीज़ जो मैं अपने लिए ली हूँ ये 2-3 दिन पहले ही ली हूँ मैं, आप लोगों को दिखाई नहीं होगी, ये देखिए शरारा, और ये मैं मेरे को लेना नहीं था बट मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सस्ता लगा, बहुत ही कम प्राइस का है ये और देखने में इतना सुंदर है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, लिंक कोई कोड नहीं है। जब मैं इसको पहनूंगी फिर आप लोग को अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे नीचे ऐसे लेस लगा हुआ है कुर्ते में भी और शरारा में भी, तो ये सेम है, इसमें कोई चुन्नी वन्नी नहीं है, सिर्फ कुर्ता और शरारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो ये कलर है ना रेड और मरून, ये दोनों मेरा फेवरेट है, तो मेरे पास जितने कपड़े होते हैं रेड या मरून, तो खैर ये फर्स्ट टाइम ही ली हूँ मैं, मरून नहीं है, रेड है मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, पहनूंगी तब दिखाऊंगी। और इसका प्राइस बताऊँ तो आप लोग एकदम चौंक जाओगे कि इतने कम प्राइस में ये कैसे मिला, मैं भी चौंक गई थी इसीलिए मैंने एकदम से ले लिया। ये मुझे सिर्फ 220 रुपये में मिला है, आप लोगों को यकीन नहीं होने वाला है मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने झट से ले लिया। जैसे वो पता है क्या, गली में जो आते हैं ना फेरी वाले, मैंने ये उनसे लिया है, वो बहुत सस्ता दे जाते हैं कभी कदा, तो बस मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। अब ये पहन के और फिर वीडियो बनाऊँगी तब आप लोग बताइएगा कि कैसा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि एक तो इतना अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद, बहुत अच्छा लगेगा और इतना सस्ता है तो दिखा देने में क्या जाता है आप लोग भी। और सबसे जो होली जिसके बिना अधूरी है, बिना रंगों के तो होली हो ही नहीं सकती है, तो बस यही मैं 2-4 कलर लेके आई हूँ, गुलाल के पैकेट और रंग गुलाल यही लेके आई हूँ, जो कल हमारा इससे होली होने वाला है, सब लोग भूत बनने वाले, आज जो चेहरा दिख रहा है कल इसको कोई नहीं पहचानने वाला है कि मैं कौन हूँ और मेरी सिस्टर कौन है, स्वाति कौन है, या मेरी वो छोटी वाली कौन है, उसका नाम नहीं लूँगी, उसका नाम जूली है और जूली बोलने पे चिढ़ जाती है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगी। उसका नाम अनुषा भी है लेकिन मैं अनुषा नहीं बोलती, मैं जूली ही बोलती हूँ, तो नाम लूँगी। तो बस यही था छोटा मोटा मेरा आज का कुछ शॉपिंग जो मैंने आप लोग को दिखाया, मुझे लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए, जो भी है छोटा है बड़ा है रोज़ रोज़ दिखा दिया आप लोगों को। अब चलिए देखते रहिए, फुल वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद।